जब हम कलीसिया आते हैं, मैं देखता हूं कि कई चेहरे उदासी से भरे होते हैं, कई चेहरों में डर होता है। प्रेज द लॉर्ड, डर के हम बैठ जाते हैं। हम सुनते हैं वचन, लेकिन सुन के जब आप घर यहां से निकलते हैं तो एक अजीब सी उलझन आपके चेहरे पर होती है। बाहर जाकर फिर आप संसार में खो जाते हैं और फिर वही डर, वही संदेह, वही घबराहट हमारे जीवन में काम करती है। प्रेज द लॉर्ड, ये कलीसिया है, परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? ताकि आपको सुख दे सके, ताकि आपको आशीष दे सके, हालेलुया, ताकि वो आपके जीवन में काम कर सके, हालेलुया। ये घर किसका है? मुझसे बात करिए, घर किसका है? प्रभु का घर है, हालेलुया। हम कहां पर आए हैं? प्रभु के घर में आए हैं। लेकिन जब हम बैठे होते हैं तो हमारे चेहरे पर आनंद नहीं होता है, घबराहट होती है, डर होता है, एक सकुचाहट सी होती है, संदेह होता है, हालेलुया। इसलिए हमारा दिमाग कहीं और चलता है। हम बैठे तो यहां हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, क्योंकि हमारे अंदर वो डर है, घबराहट है, अपने जीवन के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपने सुख के लिए। हम उस घबराहट में आए हैं। और क्यों घबराहट है मेरी बहन? क्योंकि हम आज में नहीं जीते हैं, हम किस में जीते हैं? कल में। या तो कल जो बीत गया है या जो कल आने वाला है, हम इन दो कल के अंतर्गत ही इन बिटवीन जीते हैं। और मेरा प्रभु क्या कहता है? कि मुझे आज में जीना है। प्रेज द लॉर्ड। हम आज के महत्व को भूल गए हैं, इसलिए सुख नहीं उठा पाते हैं। इसलिए इस परमेश्वर के भवन में, पिता परमेश्वर के चरणों में आने के बाद भी एक डर, एक संदेह हमें खाया रहता है, कल क्या होगा मेरा। प्रेज द लॉर्ड। कल का आनंद झूठा है, आज का आनंद सच्चा है। लेकिन हम कल के आनंद से उत्साहित हो जाते हैं, जो आनंद अभी हमारा हुआ ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। जो आनंद अभी तक हमारा हुआ ही नहीं, उस आनंद में हम खोए रहते हैं। लेकिन जो आनंद हमारा अभी है, उस आनंद की वैल्यू नहीं करते हम। वो आनंद जो प्रभु ने दिया है, वो आनंद जो यीशु में है, वो जो आनंद जो हमारी नई सृष्टि में है, वो आनंद जो यीशु की प्रार्थना में है, यीशु मसीह की आत्मा में है, उसको हम नहीं। क्यों? क्योंकि हम आज में नहीं जीते हैं। हम आज में नहीं जीते हैं, हम कल में जीते हैं। इसलिए डर का भाव हमारे जीवन में रहता है। और परमेश्वर कहां काम करता है? आज में। परमेश्वर आज का प्रभु है, कल का नहीं है। इसलिए उसका नाम मैं हूं। मूसा ने पूछा कि परमेश्वर तेरा नाम क्या है? उसने कहा मैं हूं। मैं हूंगा नहीं, मैं होने वाला नहीं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं आज हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम उस आशीष को जो परमेश्वर की है, हम उस मन को नहीं समझ पाते। परमेश्वर कल सोचकर, कल में जीकर आपको नहीं चुनता है वो। परमेश्वर आज के रूप में आपको चुनता है। आज आप कौन है? पापी हैं, आ जाओ, कल ये ठीक होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम आज में जिए। इसलिए वो कहता है, आज का जो वचन है, सुनने के लिए तैयार हैं सब लोग? हालेलुया। मैं वचन आपके लिए पढ़ता हूं और इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीषों का सुख तभी पा सकते हैं जब हम परमेश्वर
को जाने, परमेश्वर के मन को जाने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें देने वाला कौन है? प्रभु। इसलिए लिखा हुआ है यशाया 55 का 8-10, यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। जिस प्रकार आकाश से वर्षा और हिम गिरते हैं और पृथ्वी को सींचे बिना वापस नहीं जाते और भूमि को उपजाऊ और फलदायी बनाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरे मुंह से निकलने वाला वचन होगा वो व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, वरन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे पूरा करके ही लौटेगा। हालेलुया। तो यहां पर क्या बोलता है प्रभु कि मेरे विचार और तेरे विचार अलग हैं। तू शरीर के अनुसार सोचता है, मैं आत्मा के अनुसार सोचता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तुझे सुख मिलता है, तू कहता है मेरा सुख मेरा भोजन है। प्रेज द लॉर्ड। आप अपना सुख शारीरिक रूप में खोजते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अगर आपकी आत्मा प्रबल नहीं है, अगर आपका ज्ञान प्रबल नहीं है, तो कुछ भी नहीं है आपके पास। हालेलुया। अब देखिए, आपकी जो आज की जो वैल्यूज हैं, आज के जो नॉलेज है, आज का जो आप एक पद्धति है, जो सिस्टम है, अगर आप देखें तो हर 10 साल के बाद बदलता है। हर 10 साल के बाद आप एजुकेशन पॉलिसीज बदल जाती हैं, प्रेज द लॉर्ड। फैशन बदल जाता है, बदल जाता है। जो आपका 10 साल पहले बालों का स्टाइल था आज नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। कपड़े पहनने का स्टाइल बदल जाता है, लेकिन प्रभु का वचन स्थिर है। इसलिए हम उस सुख को जो प्रभु का है अनंत काल तक अपने संग रख सकते हैं, अगर हम प्रभु के अनुसार सोच लेंगे। इसलिए वो कहता है कि मेरी सोच और तेरी सोच अलग है, मेरे मार्ग और तेरे विचार अलग हैं। तू शरीर के अनुसार सोचता है, मैं आत्मा के अनुसार सोचता हूं। मैंने तेरी आत्मा का उद्धार किया है और तू अपने शरीर को संवारने में लगा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू समझना नहीं चाहता मुझे, मैंने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया तेरे लिए ताकि तू मुझे जाने कि मेरा प्यार क्या है। क्या आज तक कभी किसी ने समझा है उस प्यार को? आपको पाने के लिए, मुझे पाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान हुआ। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया, लहू बहा दिया हमारे लिए। क्या आपने कभी सोचा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हमारी सोच कभी ऐसी थी कि हमारे लिए कोई मरेगा? कोई नहीं मरेगा, लेकिन उसने बताया कि मैं अपने पुत्र को तेरे लिए बलिदान करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। यह है उसकी सोच, यह है उसके मार्ग, यह है उसका तरीका। लेकिन हम अपने जीवन में उस तरीके को काम करते हुए नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हम आज में नहीं जी रहे हैं, हम कल में जी रहे हैं। हम आज का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, हम आज का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। आज आपके पास क्या है, आज आपके पास क्या नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आपको महसूस होगा, जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपके पास क्या है, मैं पवित्र हूं, हालेलुया, मैं पापों से मुक्त हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा जो श्राप मुझ पर था वो निकल गया है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं दीर्घायु से तृप्त हूं, मेरी बीमारी के लिए यीशु मसीह कोड़े खा चुका है। वो यीशु जो स्वर्ग और धरती का अधिकारी है वो मेरे अंदर है। आपके पास क्या है आज, उसको जानिए मेरी बहन। जिस दिन आपको यह एहसास हो जाएगा, जिस दिन आप पता लग जाएगा, जिस दिन आप
उस आज में जिंदगी जिएंगे, कल आपको डरा नहीं पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, कल आपको डरा नहीं पाएगा। हालेलुया। कल का स्वार्थ, कल के सपने दिखाकर शैतान आपको बेवकूफ बनाता है। हव्वा को कल का सपना दिखाकर शैतान ने बेवकूफ बनाया। क्या कहा? तू ये फल खाएगी तो परमेश्वर जैसे बुद्धिमान हो जाएगी। आमीन। क्या कहा शैतान ने कि तू ये फल खाएगी तो परमेश्वर जैसी बुद्धिमान हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे हव्वा को पता ही नहीं कि परमेश्वर ने उसे बुद्धिमान कर दिया अपने जैसा। क्या उसने कहा, आओ हम इसे अपनी समानता स्वरूप में रचें। उत्पत्ति 1:26 में वो अपनी समानता, अपना स्वरूप दे चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कल आने वाले पल में, आने वाले वक्त में मेरी बुद्धि परमेश्वर जैसी हो जाएगी। उसने पाप किया, कल आपसे पाप करवाता है, आज आपसे पाप नहीं करवाता है, कल आपसे पाप करवाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है आज में जियो, आज में जियो। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना सिखाई लूका 11:3 कि परमेश्वर हमें आज की रोटी आज दे, कल की मत दे, हमें आज की रोटी दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें आज की रोटी दे। हम कल की मांगते हैं, कोई नहीं मांगता आज की, कल की। मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरा काम अच्छा मिले, मुझे नौकरी अच्छी रहे, कल के बारे में हम सोचते हैं। मेरी बहन, कल आपका तब अच्छा होगा जब आप आज का आनंद लेंगी, जब आपको पता होगा कि आज मेरे पास क्या है। हालेलुया। हम आज को अहमियत नहीं देते और यीशु कहता है आज को अहमियत दो। क्यों? वो धीरजवंत है, परमेश्वर धीरजवंत है, आपकी गलतियों को सहता है, आपकी गलतियों को, आपकी बेवकूफियों को सहता है वो। क्यों? क्योंकि वो आपको जब देखता है तो पाता है कि आप आज में नहीं है, आप कल में जी रहे हैं। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है, वो चाहता है कि मेरा बच्चा आज में आए। आज में कब आएंगे? आज में कैसे आएंगे आप? जब आज आपका धन्यवाद देगा, जब आपकी सुबह धन्यवाद देगी, जब आपका शाम धन्यवाद देगी, जब आपका उठना बैठना धन्यवाद देगा, जब आप उस धन्यवाद के अंदर जिएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, तब आप महसूस करेंगे आज की शक्ति को। हालेलुया। मुझे आज एक रोटी मिली, धन्यवाद। हालेलुया। मेरा रोया रोया मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, हर पल हर क्षण। मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं कि मैं इस योग्य नहीं था जिस योग्य परमेश्वर ने मुझे बना दिया। हालेलुया। हम इस योग्य नहीं थे। हालेलुया। मुझे एक पापी, मैं एक पापी था, उसने मुझे नया किया, उसने मुझे पवित्र किया, उसने मुझे नई सृष्टि में बना दिया। हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, इसलिए हमारे रिश्ते हमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि वो रिश्ता हमारे करीब नहीं आ रहा है। हेलो। आप कल की वजह से प्रभु को याद कर रहे हैं। प्रभु मैं तेरे प्रार्थना करती हूं मेरा पति अच्छा हो जाए, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूं मुझे अच्छा, मेरा मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर हो, मेरे बच्चों को अच्छा आशीष मिले, मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छा बिजनेस मिले, मेरा काम बना रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कल के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज के लिए आप सोचते हैं मैं क्या प्रार्थना करूं? आपके लिए, आपके पास आज के लिए कोई प्रार्थना ही नहीं है। हम सोचते हैं आज के लिए मैं क्या प्रार्थना करूं? सुबह मैं उठ गया हूं, अच्छा नाश्ता किया है, खाना खा रहा हूं, आज के लिए प्रार्थना करूं? अरे मेरे भाई, आज के लिए प्रार्थना नहीं, धन्यवाद दीजिए। जिस दिन आज के लिए आप धन्यवाद देना शुरू कर देंगे, आपके अंदर कल की चिंता निकल जाएगी,
निकल जाएगी। आज का धन्यवाद दीजिए, आज के लिए उसकी महिमा करिए, आज के लिए उसकी स्तुति करिए। आज हमें सुनने के लिए कान दिए, आज से मांगिए परमेश्वर कि मैं कलीसिया जा रही हूं, मुझे बुद्धि दे, मैं समझूं कि तेरे वचन में क्या तू क्या कहना चाहता है, मैं जानना चाहती हूं। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप आज को अहमियत देंगे, जिस दिन आप आज की वैल्यू समझ लेंगे, उस दिन आप देखिए आपका जिंदगी जीने का अंदाज बदल जाएगा, क्योंकि आज में ही उसका ज्ञान है, कल में नहीं है, आज में उसका ज्ञान है। और होशे नबी की पुस्तक में क्या लिखा हुआ, 4:6 कि मेरे बच्चे अज्ञानता की वजह से मर रहे हैं, अज्ञानता की वजह से पीछे हट रहे हैं। आप क्यों पीछे हट रहे हैं? अज्ञानता की वजह से। कितने लोग हैं कलीसी आते हैं, चंगाई पाते हैं, चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि सच्चा सुख चंगाई में नहीं है, सच्चा सुख यीशु के साथ में है। ज्ञान ही नहीं आपके पास। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो कहता है, पढ़िए बेटा, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर के बच्चे थे, जिनको परमेश्वर ने चुना था, जिनको परमेश्वर ने बचाया था, उन्होंने मेरे ज्ञान की वैल्यू नहीं की और नष्ट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं परमेश्वर का दर्द, मेरी प्रजा, मेरे बच्चे जिनको मैंने जन्म दिया, बिकॉज ऑफ नॉलेज, ज्ञान की वजह से नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो कलीसी आते थे, अपनी बात उनके मन में थी, उनके मन में मेरे वचन नहीं चल रहे थे, उनके मन में कल चल रहा था, कल मेरा कल क्या होगा, मेरा बिजनेस कैसे पूरा होगा, मेरा रिश्ता कैसे ठीक होगा, मुझे कैसे चंगाई मिलेगी, मुझे कैसे आशीष मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। हम, मेरी बहन, हम सच्ची आशीष को जान ही नहीं रहे, हम सच्ची आशीष के पीछे नहीं चल रहे, हम झूठी आशीष के पीछे चल रहे हैं। आपके शरीर में आज घाव हो गया, आपको दर्द हो रहा है कमर में, हम प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कल दोबारा आ सकता है, आपका शरीर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कौन सी आशीष आपने ली? जो आशीष जो कि सदा की नहीं है, लेकिन वचन में क्या है, उसका ज्ञान आपको वो आशीष देना चाहता है जो अनंत काल की है। हम उस आशीष को लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता की वजह से नाश हो गई। आगे पढ़ो बेटा। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। क्यों नाश हो गई? क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे वचन को तुच्छ जाना है। आज हम आपको कहते हैं, कलीसिया आया करिए, आप कलीसिया में परमेश्वर का आशीष मिलेगा। आप लोग समझते नहीं, आप उसको वैल्यू नहीं देते, आपको लगता है पास्टर को जरूरत है आपकी। पास्टर कहता आओ आओ आओ, क्यों? क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि वचन की क्या शक्ति है, आपको नहीं पता। मैं पूरा हफ्ता बैठकर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा से कि कौन सा वचन अपने बच्चों को दूं ताकि उनको आशीष मिले, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं में सुख है, इन्हीं में सामर्थ है। लेकिन आप लोग वचन को तुच्छ समझते हैं, उसकी प्रजा ने तुच्छ समझा वचन को। हालेलुया। उसने वचन को तुच्छ समझा, इसलिए वो नाश हो गई। आगे बोलो बेटा। मैं तुझे अपना याजक ठहरने के अयोग्य ठहराऊंगा। देखिए प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे ज्ञान देने के लिए स्वर्ग से जमीन पर आया, मैं तुझे ज्ञान देने के लिए अपने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया, मैंने साक्षात तुझे प्रमाण दिया कि मैं कौन हूं।
मैंने तुझे प्रणाम दिया, प्रमाण कि मैं कौन हूं। मैंने अपने पुत्र को तेरे लिए मारा ताकि तू शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, और तेरे लिए ही मैंने उसको जीवित कर दिया। स्वर्ग और धरती का अधिकार मैंने उसको दिया। वही यीशु है, वही सर्वस्व है, वही सर्वव्यापी है। मैंने प्रमाण दिया कि मैं कौन हूं, धरती का रचयिता हूं, आकाश और धरती को बनाने वाला मैं हूं। कोई भी नाम मेरे इकलौते पुत्र के नीचे है, हर नाम मेरे बेटे के नीचे है। लेकिन हम उस ज्ञान को तुच्छ समझते हैं, हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, इसलिए हम आज की अहमियत नहीं देते। आज में अगर आप अहमियत देंगे, आपके पास यीशु है, आपके संग प्रभु है, आप अपने घर जाने वाले हैं, हालेलुया, आपके पास बहुत बड़ी सौगात है मेरी बच्ची, हालेलुया, हमारे पास वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वो कब उस खजाने का आनंद लेंगे, जब आप महसूस करेंगे कि वो खजाना मेरे पास है। हो सकता है आपकी बीवी को पता नहीं लगे, हो सकता है आपका पड़ोसी उस खजाने की अहमियत को ना जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछली बार बरसात थी, इतने पानी में हम लोग आए यहां पर चर्च में, इतने पानी में, कईयों ने कोशिश की आने की, नहीं आए, कोई बात नहीं, लेकिन क्यों आए, क्योंकि मैं वैल्यू समझता हूं चर्च की। चर्च की वैल्यू क्या है, चर्च हमें क्यों जाना है, सिर्फ संडे है इसलिए जाना है, आज मैं खाली हूं इसलिए जा रहा हूं, कलीसिया क्या है, कलीसिया में कौन मिलने वाला है, कलीसिया में क्या होने वाला है, कलीसिया में मुझे वो ज्ञान मिलने वाला है जो मुझे प्रभु तक लेके जाएगा। कलीसिया में मुझे वो ज्ञान मिलेगा जो मुझे स्थिर करेगा, मुझे बचाएगा पापों से, नहीं तो शैतान तो आपके लिए षड्यंत्र के आपका जाल बिछा चुका है। हम बच रहे हैं मेरी बच्ची मेरी बहन, परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी कृपा है जो हम बच रहे हैं। आज भी मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर कि मेरी बेटी को बचा परमेश्वर, हालेलुया। आपके लिए आज भी प्रार्थना कर रहा है वो। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे याचक होने से अयोग्य ठहराऊंगा। आप सोचिए, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो सकता है, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, वो कहता है कि आपका अपॉइंट मैंने किया है, आपको मैंने अपॉइंट किया है, तुम मुझे नहीं चुनते हो, मैं तुम्हें चुनता हूं, और सिर्फ चुनता ही नहीं हूं, चुनकर नियुक्त करता हूं ताकि तुम फल लाओ। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर तू मेरे ज्ञान को तुच्छ जानेगा, अगर तू उसकी वैल्यू नहीं करेगा, अगर तू कलीसिया को कलीसिया की वैल्यू नहीं करेगा, तो तू अयोग्य साबित हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर हर पल अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा आपको संवारने की कोशिश करता है, आपको एक रास्ते पर चलाने की कोशिश करता है। इसलिए हर संडे हम बताते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम बहुत आशीषित हैं कि हमारे अंदर यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास यीशु है, हमें उसकी शक्ति को देखना है, वो चीज जो मेरे अंदर है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, कभी नहीं त्यागेगी, हालेलुया। वो जो मेरे अंदर है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, मुझे कभी नहीं त्यागेगा। और अगर वो जो मेरे अंदर है, वो रचयिता है, वो सामर्थ्य है, वो सर्वशक्तिमान है जो मेरे अंदर है, और वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, तो मेरा कल जो है वो आशीषित है। मुझे अपने प्रभु के साथ रहना है। कल को बनाने वाला मैं नहीं हूं। कोई है यहां पर जो अपने कल को बना सकता है? कोई है यहां पर जो गुमान करता है कि नहीं मैं बनाऊंगा अपने कल को?
है। मेरे कल को, मेरे बच्चे के कल को कौन बनाने वाला है? परमेश्वर। और वो कहां है? प्रेज़ द लॉर्ड। इससे बड़ा खजाना और क्या होगा? मुझसे ज्यादा मेरा अच्छा सोचने वाला पिता मेरे साथ है। किस चीज में आपकी भलाई है आपका पिता जानता है, और वो पिता मेरी बहन सर्वशक्तिमान है। उसे किसी बुद्धि की जरूरत नहीं है। आप अपने संबंधों को अच्छा करिए बस। इज़राइल को मिस्र से निकालकर परमेश्वर क्यों लेके आया जंगल में? प्रेज़ द लॉर्ड। व्यवस्था 8:2-3-4, डिटरनॉमी 8:2-3-4, इज़राइल जो कि उसकी प्रजा थी, 430 साल तक इज़राइली मिस्र में गुलामी की जिंदगी जी रहे थे, ये प्रभु जानता था, और परमेश्वर उन्हें निकाल के लाया उस प्रॉमिसिंग लैंड में पहुंचाने के लिए जहां दूध और शहद की नदियां बहती थी। लेकिन बीच में जंगल आया, वो इज़राइली जंगल से होकर गुजरे, और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो इज़राइली जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे उनको मैं जंगल से होकर गुजारूं। जंगल एक ऐसी जगह जहां पर बैठने की कोई जगह नहीं थी, सोने की कोई जगह नहीं थी, खाने की कोई जगह नहीं थी, खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ भी नहीं था, धूप थी, खुला आसमान था, कुछ नहीं था उनके पास। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उस कुछ नहीं में वो मुझे जाने। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप अपने जीवन में महसूस करेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है, उस दिन आप यीशु को पहचानेंगे। उस दिन आप यीशु की शक्ति को पहचानेंगे कि मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास कौन है? यीशु। इज़राइलियों को लेकर आया परमेश्वर उस जंगल में। उनको प्यास लगी तो कहां से पानी पिलाया परमेश्वर ने? चट्टान से। उनको भूख लगी, कहां से रोटी दी? स्वर्ग से। सुबह रोटी उतरती थी, शाम को मांस आता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको बताऊं, उन्हें जब धूप लगती थी, दिन भर बादल का खंभा बनकर परमेश्वर उनके पीछे खड़ा रहता था, दिन भर, और रात को आग का खंभा। कितने दिन? 40 साल तक। प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल कहती है कि उनके कपड़े मैले नहीं हुए, उनके जूते नहीं फटे। क्यों नहीं कपड़े मैले हुए? क्यों उनके जूते नहीं फटे? क्या वो बड़े नहीं हुए? या इससे पहले जब इज़राइल में रहते थे, आपका मिस्र में रहते थे, तो क्या उनके कपड़े नहीं फटते थे? फटते होंगे। जूते नहीं फटते थे? फटते होंगे। लेकिन यहां पर क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि प्रभु चाहता था कि मेरे बच्चे सिर्फ मुझे देखें, सिर्फ महसूस करें कि इस जंगल में कुछ नहीं है लेकिन प्रभु है। प्रभु चाहता है कि आप हर पल उसे महसूस करें। मेरे जीवन में और कुछ नहीं है, मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए दूसरा नंबर, 8:2। और स्मरण रख के तेरा परमेश्वर यहोवा उस 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। बाइबल में प्रभु कहता है, स्मरण रख, याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा इन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए लेकर आया है कि वो आपको दीन करे, आपको नम्र बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्या कहा था यीशु मसीह ने अपने चेलों से? मत्ती 5:3-4, धन्य है वो जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, धन्य है जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के वही अधिकारी होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, याद है? आप जानते हैं, आप अगर आज में जिएंगे तो ही आप दीन बन सकते हैं। अगर आपके अंदर कल है तो आपके अंदर दीनता नहीं आएगी, क्योंकि आपके अंदर कल है तो आपके अंदर स्वार्थ है, आपके अंदर लालच है, और अगर आपके अंदर स्वार्थ और लालच है तो आप में दीनता नहीं आ सकती, आप में नम्रता नहीं आ सकती। लेकिन स्वर्ग के अधिकारी कौन होंगे? जो दीन है, जो मन के दीन है। परमेश्वर उन्हें जंगल से क्यों लेकर आया? क्योंकि वो उन्हें उनके उसके मन को संवारना चाह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अपने आज पर भरोसा करेंगे मेरे भाई, अगर हम अपने आज की शक्ति को जानेंगे तो कल हमें नहीं डरा पाएगा। हम कल से डरते हैं कि कल क्या होगा, मेरे बच्चे का, मेरे पति का, मेरी बीवी का, कल का क्या होगा। नहीं, कल नहीं, आज मेरा प्रभु मेरे साथ है। वो कहता है संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। मेरा प्रभु आज मेरे साथ है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुझे लेकर आया हूं ताकि तू दीन बने, तू भूल जाओ उस मिस्र को। जंगल में कुछ नहीं है, हर तरफ जंगल है, कुछ भी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा भी वहां था, मूसा के लिए भी कुछ भी नहीं था वहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उस जंगल में मूसा प्रभु को देख रहा था कि यहां कुछ नहीं है लेकिन मेरा प्रभु है। हालेलुया। आपकी मुश्किलों में, आपकी मुसीबतों में अगर आप कहें कि आप अकेले हैं और आप कहीं नहीं हैं, महसूस करिए आपका पिता आपके साथ है, आपका यीशु आपके साथ है। दुनिया छोड़ देगी आपको लेकिन आपका प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन कब मेरी बहन? जब आप महसूस करेंगे वो बनाने वाला, वो रचने वाला मेरा यीशु हर पल मेरे साथ है। संदेह मत करिए, मेरा अच्छा होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरे जीवन को, मेरी योजनाओं को किसने लिखा है? किसने लिखा है मेरे जीवन की योजनाओं को? किसने लिखा है? प्रभु ने। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 29:11 क्या कहता है? कि मैं उन योजनाओं को, उन कल्पनाओं को जानता हूं जो मैंने तेरे लिए रची हैं। आपकी कल्पना, आपकी योजनाएं, आपकी प्लानिंग्स, प्रॉब्लम क्या होती है कि आप परमेश्वर की प्लानिंग से अपनी प्लानिंग को मैच नहीं कर पाते। क्योंकि परमेश्वर की जो प्लानिंग्स हैं वो आपको अनंत काल की तरफ लेके जाती हैं, लेकिन आपकी जो प्लानिंग्स हैं वो आपको संसार की तरफ लेके जाती हैं, शैतान की तरफ लेके जाती हैं, एक लिमिटेड सुख की तरफ लेके जाती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका रचयिता, आपका बनाने वाला, आपकी योजनाओं को बनाने वाला, आपके लिए प्लानिंग करने वाला और कोई नहीं है, वो परमेश्वर है, वो यीशु है। जिस दिन आपके अंदर ये विश्वास पैदा हो गया मेरे भाई, जिस दिन आपने आज में जीना शुरू कर दिया कि आज मेरे पास क्या है, जिस दिन आप आज के सुख में, आज का आनंद जिस दिन आपने लेना शुरू कर दिया, आपका कल सुरक्षित है। कोई भी आपके कल को हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए वो कहता है कल की चिंता मत करो। इसलिए वो कहता है मत्ती 6:34 में कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता अपने आप करेगा। तू आज के बारे में सोच। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कल की चिंता नहीं करनी है, मुझे आज जो दिया है उसके लिए धन्यवाद देना है। यीशु तूने मुझे क्या दिया है,
Praise the Lord. So, कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता अपनी, कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा. हमें कल की चिंता नहीं करनी है, और जब हम कल की चिंता करते हैं तो हम आज को खो देते हैं. व्यवस्थावरण 8:3. इसलिए वो इसराइलियों को लेकर आया ताकि वो उनके मन से कल का डर निकाल दे. लेकिन इसराइलियों के मन से कल का डर, आपका डर नहीं निकल रहा था, डर नहीं निकल रहा था. वो बुदबुदा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे. परमेश्वर के चरणों में थे तब भी कुड़कुड़ा रहे थे, अविश्वास था, क्योंकि वो परमेश्वर को महसूस नहीं कर पा रहे थे. वो कल की चिंता उनके मन में थी. Praise the Lord. परमेश्वर ज्यादा इंटरेस्टेड है ताकि वो आपको अपने मन के अनुरूप कर दे. कि आप नहीं है, हेलो, आप नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपके मन को समझे. आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु दया कर, मेरा बच्चा अगर मेरे मन को समझेगा तो उसे अच्छा बुरा महसूस होगा, वो गलत संगति में नहीं जाएगा. हालेलुया. अगर मैं अपने बच्चे को डांट रही हूं तो मेरा बच्चा समझे कि मैं क्यों डांट रही हूं, ताकि वो गलत संगति में जा रहा है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आप ये समझते हैं कि नहीं समझते? यीशु मसीह भी वही चाहता है कि मैं, तू अपनी रोटी के लिए प्रार्थना कर रहा है, तू अपने कपड़े के लिए प्रार्थना कर रहा है, तू अपने रहने के लिए प्रार्थना कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मेरे मन के मुताबिक अपने जीवन को बिताए, मेरे जैसा बन जा तू. प्रेज़ द लॉर्ड. पौलुस क्या कहता है फिलिप्पियों 2:5 में, कि हमारे, हमें यीशु जैसा बनना है. वो परमेश्वर का पुत्र है. Praise the Lord. परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि मैं एक पापी, एक छोटा सा इंसान यीशु जैसा बन सकता हूं. लेकिन बाइबल कहती है यस. इसलिए उसने अपनी आत्मा दी है. आप यीशु जैसे बन सकते हैं अगर आप आज में, आज की शक्ति को, यीशु की शक्ति को पहचानेंगे. अगर आप आज में जिएंगे, आज के आनंद को आप अपने जीवन में लेके जिएंगे, तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. तो कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में परिवर्तन है. इसलिए पौलुस का संदेह है, इसमें कहीं ना कहीं संदेह है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम में हो. वो देख रहा है कि हमारे स्वभाव में आज नहीं है, हमारे स्वभाव में कल है. मेरे स्वभाव में स्वार्थ आ गया है, मेरे स्वभाव में लालच आ गई है, मेरे स्वभाव में मेरा अपना आ गया. नहीं, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे पापा का क्या होगा, मेरी मम्मी का क्या होगा. प्रेज़ द लॉर्ड. जिसने मेरे पिता को रचा है वो मुझसे अच्छा जानता है कि क्या होगा. प्रेज़ द लॉर्ड. क्योंकि मेरे पिता में, मेरी माँ में उसकी सांसें चल रही हैं. हालेलुया. उसकी सांसें चल रही हैं, वो ज्यादा जानता है. प्रेज द लॉर्ड. हम सिर्फ अपने पिता, अपनी मां को बताएं कि प्रभु में आ, प्रभु में जाते जाते प्रभु को मान ले, इसी में उद्धार है और किसी में नहीं है. Praise the Lord. Hallelujah. तीसरा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे तू और तेरे पुरखों ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं. Praise the Lord. प्रभु क्या कहता है, मैं तुझे भूखा क्यों रख रहा हूं, ताकि मैं तुझे सिखाना चाहता हूं कि जो रोटी मैं देना चाहता हूं उसकी वैल्यू क्या है. हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, हम उस रोटी की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, उस वचन की रोटी नहीं, की वैल्यू नहीं कर रहे हैं
जो वचन आज हमारे जीवन में है, जो वचन आज हमारी भूख मिटा रहा है, हम उस वचन की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। वो कहता है भूखा, मैंने तुझे क्यों भूखा रख रहा हूं, क्योंकि तू वैल्यू कर। प्रेज़ द लॉर्ड, वैल्यू कर, उसकी कीमत को जान जो मैं तुझे दे रहा हूं। हम नहीं लेना चाहते। आगे बेटा, इसलिए वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वह जीवित रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन ही आपको जीवन देता है और कोई नहीं देता है। नेक्स्ट, चौथा, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पाँव फूले। आमेन। तेरे जो वस्त्र है, क्योंकि वो नहीं चाहता है, तेरे वस्त्र पुराने नहीं हुए, तेरे वस्त्रों को मैंने पुराने नहीं होने दिया ताकि तेरा दिमाग तेरे वस्त्रों में ना जाए, तेरा दिमाग मुझ में लगा रहे, तेरा दिमाग मुझ में। वो कहता है मुझे खोजो, आज खोजो, मुझे खोजो, मैं तुम्हें मिलूंगा। हम कब खोजेंगे उसे? अगर हम आज में जिएंगे तो खोजेंगे, अगर कल हमारे अंदर है हम उसको नहीं खोज पाएंगे। हम क्यों नहीं उसको खोज पाते हैं? कल का डर हमारे अंदर है। हम नई सृष्टि में क्यों उसने बनाया? पुरानी बातें हम में से क्यों निकाली उसने? ताकि हम उस पर विश्वास करें। अभी आप देखिए कि परमेश्वर जब इज़राइलियों को लेकर आया जंगल में, वो परमेश्वर था ना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसी जगह से लेकर जा सकता था जहां पर झरने होते, जहां पर नदियां होती, जहां पर फल फूल होते, पेड़ होते, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जहां रहने की जगह होती, थोड़ा सा मकान उकान होते, वहां पर लेके जा सकता था ना उनको। क्यों नहीं? क्योंकि जब जंगल में लेकर आया तो उनको बता रहा था कि उनको वो कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बताना चाहता है आप कौन है। इसराइलियों ने पानी मांगा, उसने कहा पत्थर से पानी मिलेगा तुझे। उसने बताना चाहा, परमेश्वर बता रहा है कि मैं कौन हूं जो तुझे पत्थर से पानी दे सकता हूं बेवकूफ। इसलिए तो कल के बारे में मत सोच, आज के बारे में सोच। आज के बारे में सोच। रोटी नहीं है, आकाश से उतरेगी है? आकाश से रोटी रोज कितने लोग हैं? 16 लाख लोगों के लिए शाम को मांस आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइलीज़ 430 साल तक गुलाम थे। परमेश्वर उनको बता रहा था कि जब तुम यीशु में रहोगे और आजाद हो जाओगे तो उस आजादी की वैल्यू क्या है, उस आजादी में तुम्हें क्या मिलेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में अलौकिक काम करना चाहता है। मूसा से बोल सकता था परमेश्वर, वहां पर एक झरना है, जाओ झरने में ले जाके इनको पानी पिलाओ। Praise the Lord। उस जगह होरे पर्वत पर जाओ, चट्टान पे मारो, पानी मिलेगा। वो बता रहा था कि मैं कैसा पिता हूं। Praise the Lord। मेरे पास क्या क्या है, तुझे कैसी जिंदगी जीनी है। इसलिए तुझे कल के बारे में नहीं सोचना है कि मेरे पास रोटी नहीं है, पत्थर उठाया प्रार्थना की रोटी बन गई, वचन खाए, वचन सुने, पेट भर गया आपका। आपके अंदर वचनों की शक्ति होनी चाहिए। चट्टान से कहेंगे चट्टान पानी दो, चट्टान पानी देगा आपको। आप वो सामर्थ, आपके अंदर वो सामर्थ है। और हम डर रहे हैं कल से, क्योंकि हम आज में जी नहीं रहे हैं। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं तो हमारे चर्च में डर, हमारे चर्च में जो हमारे चेहरे हैं मुरझाए हुए, चिंतित है। मेरी बहन, जब तक आप चिंता करते रहेंगे तब तक
शैतान काम करेगा। जिस दिन आप आजाद हो जाएंगे, जिस दिन आप कहेंगे नहीं, मेरा यीशु मेरे अंदर है, मेरा प्रभु मेरे अंदर है, उसने कहा है मुझे अपना बोझ दो, मैंने उसको अपना बोझ दिया है, अब वो देखेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन का क्या होगा वो जानता है, और जैसा होगा धन्यवाद। इसलिए रोमियो 8:28 क्या कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात अच्छाई ही उत्पन्न करती है। प्रेज द लॉर्ड। हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, हमें उसको धन्यवाद देना है। निर्गमन 17:7-8 निकालिए। और मूसा ने उस छठा देख मैं तेरे आगे चलकर, यहाँ पर इज़राइलीज़ मूसा से मांग रहे हैं पानी, कि हमें पानी दे, यहाँ कहीं पानी नहीं है, और लड़ रहे हैं, और मूसा आया परमेश्वर के पास कि इनके पास पानी नहीं है, मैं क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने क्या कहा, उनको लेके जाओ पर्वत पर, चट्टान पे लेके जाओ, वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। पढ़िए आगे। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इसराइल के वृद्ध लोगों को देखते वैसे ही किया। 16 लाख लोगों को ले गया मूसा उस चट्टान के पास, और वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसने लाठी मारी और पानी आना शुरू हो गया। 16 लाख लोग पी रहे हैं। हालेलुया। 7 और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इसराइलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे अंदर जब कल होता है ना, तो हम यहोवा की परीक्षा करते हैं। क्या कर रहा है मूसा? वेदी बना रहा है, धन्यवाद दे रहा है, धन्यवाद दे रहा है कि पिता परमेश्वर धन्यवाद, तूने इस पर्वत से हमें पानी दिया, धन्यवाद, तू महान है, महिमा के योग्य है। हालेलुया। और लोग जो कल के लिए जी रहे हैं, इसराइलियों के मन में क्या था, कल वो पानी पी रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं कि हम परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं कि वो है, हम तो ये जानना चाहते थे कि प्रभु यहां पर है कि नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में होते हुए महसूस नहीं कर पाए। हम प्रभु की परीक्षा करने आते हैं कलीसिया में, चलते हैं कलीसिया, देखते हैं यार आज हमारा काम बनेगा नहीं बनेगा, मेरी नौकरी जो चली गई मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरी बीमारी जाएगी नहीं जाएगी, हम परीक्षा करने आते हैं चर्च में। 6 महीने से आ रहे हैं, 7 महीने से आ रहे हैं, 1 साल से आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन, अरे जो परमेश्वर आज उसके वचन को हम सुन रहे हैं, क्या आपने धन्यवाद दिया, क्या आपने कहा कि प्रभु धन्यवाद, तूने मेरे जीवन को बदला है। मूसा जानता था, इसलिए उसने वहां वेदी बनाई, उसका नाम दिया और धन्यवाद कहा, और वो इज़राइलीस कुड़कुड़ा रहे थे और कह रहे थे कि हम परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए आए। मेरे भाई, अगर आप प्रभु को जांचने के उद्देश्य से कलीसिया में आते हैं तो आपको आशीष नहीं मिलेगा, आप हमेशा अधूरे रहेंगे, अपने आप में, अपने मन में आपका अधूरापन चलेगा, अधूरापन, आनंद आप नहीं महसूस कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे, प्यार करेंगे प्रभु से, उसको महसूस करेंगे, जानेंगे कि वो कौन है, परमेश्वर का काम आपके जीवन में शुरू हो जाएगा। संदेह अपने अंदर से निकालिए, वही करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। अगर आपके जीवन में अभी नहीं हो रहा है तो वो आपको संवार रहा है। कई चीजें होती हैं किसी के जीवन में, इमीडिएट हो जाता है, किसी के जीवन में 2 महीने के बाद होता है, 2 साल के बाद होता है, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया, मुझे संवार रहा है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर की इच्छा हो मेरे जीवन में हो,
जब हमारे अंदर ये विचार, जब हमारे अंदर ये विश्वास होता है, तब परमेश्वर का आशीष हम देखते हैं, तब हम परमेश्वर का वचन अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं। Praise the Lord, Hallelujah। परमेश्वर धीरजवंत क्यों है? क्योंकि वो जानता है। Hallelujah, Praise the Lord। इसलिए मेरे भाई, जैसे वचन क्या कहता है, जैसे देखिए बारिश जब आसमान से गिरती है तो वो अपना काम पूरा करती है, वो भूमि को सींचती है और बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी देती है। हालेलुया। इसी तरह प्रभु कहता है मेरा वचन है जब मेरी जबान से निकलता है तो अपना काम पूरा करके आता है। लेकिन कहां पर काम होगा उसका? जिसकी भूमि सींचने के लिए तैयार होगी। अगर आपकी भूमि तैयार नहीं है, अगर आपकी भूमि फसल के लिए तैयार नहीं है, तो उसका वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आपके जीवन में उसका वचन कब तैयार करेगा, कब काम करेगा? जब आपकी भूमि तैयार होगी, क्योंकि वो उसका वचन सींचने आ रहा है। उसका वचन आपने ग्रहण किया मेरी बच्ची, तो आपके जीवन में फसल उगेगी ही उगेगी, इसमें कोई शक है ही नहीं। जिस तरीके से आकाश से बारिश गिरती है और वो भूमि पर पड़ती है और फसल लेकर आती है, उसी तरीके से परमेश्वर का वचन जो उसके मुख से निकलता है वो अपना काम करेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा उसका वचन, व्यर्थ नहीं जाएगा। 55:11 दोबारा लगाइए, यशाया 55:11। ये आप समझ ली, उसके मुख से निकला है, उसके मुख से निकला है। पढ़िए, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। Praise the Lord। जिस काम के लिए उसने मुझे भेजा है आपके अंदर, इसलिए जब हम कलीसिया आए ना, तो हमें अपनी सोच, आप बिल्कुल अपने आप को दीन बनकर कलीसिया में रहिए कि प्रभु आज मुझसे बात करिए, क्योंकि प्रभु जानता है कि आपको किस वचन की जरूरत है, प्रभु जानता है कि आप में क्या कमी है। आप अपने आप को संवारने के लिए उसके सामने रख दीजिए, यस मुझे संवारिए, जैसे एक मिट्टी कुम्हार के सामने रख देती है, कोई भी मुझे रूप दे तो अपने हाथों में ले ले। जिस दिन वो मिट्टी कुम्हार के हाथों में आ जाती है उसका रूप निश्चित है। Praise the Lord, उसका रूप निश्चित है। अब वो कौन सा रूप देगा कुम्हार, ये कुम्हार जानता है, लेकिन मिट्टी नहीं कहती मुझे ये रूप दो। Praise the Lord। इसीलिए हमें अपने आप को प्रभु के सामने रख देना है। मेरे बच्चों का, मेरी बीवी का, मेरे पति का, मेरे रिश्तों का, तू जो चाहता है, क्योंकि तुझसे अच्छा कोई भी इस दुनिया में नहीं है जो मेरा भला चाहे। कोई ऐसा बुद्धिमान नहीं है, कोई इतना मुझसे प्यार नहीं करता है जो मेरा भला सोचे, तू मेरा भला सोचता है। ये विश्वास आपका आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाएगा, और वो आशीष, वो वचन जो उसके मुख से निकला है, वो आपके जीवन में काम करेगा। Praise the Lord। जिस काम के लिए मैंने उनको, उसको भेजा है, वो सफल होगा। आप उसको लेने के लिए तैयार रहे। इसलिए नीति वचन 2:4 क्या लिखा हुआ है कि मेरे प्रिय पुत्र, मेरे वचन पर अपना कान लगा, मेरे वचन पर अपना कान लगा। निधि 4:20-22 मेरे वचन पर अपना कान लगा जो मैंने कहा है। इधर उधर मत लगा, संसार में अपना कान मत लगा, क्योंकि वो वचन जो मेरे मुख से निकला है वो तेरे जीवन को बदलने के लिए आ रहा है।
Praise the Lord. कोई भी अपने आप को मुकम्मल ना समझे मेरे भाई, हम परमेश्वर के द्वारा रोज संवारे जा रहे हैं। हमें बहुत अभी भी गलतियां हैं, कहीं कमियां हैं, हम समझ नहीं है। मांगिए समझ, बुद्धि मांगिए कि मैं आपके ज्ञान को समझ सकूं। समझ की बुद्धि मांगिए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इसलिए क्योंकि जो वचन मेरे मुख से निकल रहा है वो तेरा जीवन बदलने वाला है। अगर तू उसको कान नहीं लगाएगा तो वचन रेस अलॉट। इसलिए कई लोग, उनका जीवन बदलता भी है तब भी उनको एहसास ही नहीं होता, उनको महसूस ही नहीं होता कि उनका जीवन बदल गया है। हेलो, जब आप शुरू शुरू में आते हैं आपको क्या लगता है, कुछ हुआ, कलीसिया से आती हूं मुझे अच्छा लगता है, है? कड़वाहट निकल गई, क्रोध निकल गया, गुस्सा निकल गया, नहीं अभी अच्छा लगता है मुझे, मेरी बहन प्रभु काम कर रहा है, प्रभु काम कर रहा है। लेकिन अगर आप चौकन्ने नहीं रहे, अगर उस वचन के अनुसार आपने चलने की कोशिश नहीं की तो शैतान भी काम करता है, शैतान भी आपको बेवकूफ बनाता है। शैतान नहीं चाहता है कि वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो आप तक पहुंचे, इसलिए वो आपको कल की चिंता में डाल देता है, कल की चिंता। इसलिए प्रभु बोलता है आज की चिंता करो, आज के बारे में सोचो, आज के बारे में सोचो, आज में जी लो, कल को भूलो, कल की मत सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कहा है, आज में जी लो, कल को भूलो, कल की मत सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड, यही प्रभु है, यही परमेश्वर का उद्देश्य है। आज हमने वचन ग्रहण किया, लोगों को आशीष मिला, बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की।